हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है थर्सडे मॉर्निंग से, तो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि थोड़ी सी मेरी हेल्थ की अपडेट भी दी थी मैंने, और सारे फंक्शंस भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गए थे। पर उसके बाद भी हमने दो शादियाँ अटेंड की है, तो एक शादी की है, एक और फंक्शन अटेंड किया है। तो वो तो मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत कुछ चला हुआ था। तो फिर अभी जो अभी इस मोमेंट पे चल रहा है, वो चल रही है पैकिंग। और पैकिंग चल रही है, जो मेरे घर में शादी है मैंने आपको बताया था, उसी के रिगार्डिंग हमारी पैकिंग चली हुई है। और पूरा घर मैस हो चुका है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अभी सोचा कि व्लॉग मैं स्टार्ट कर ही देती हूँ। तो अभी मैं पैकिंग कर रही थी, ऑलमोस्ट मेरी हो गई है, थोड़ी बहुत रहती है। वो तो चलो कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, तो लगे हुए हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, ये रहे इसमें मेरे कपड़े, ये मेरी आयरन, और भी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें पैक कर रखी है। ये मेरा स्किन केयर का पैकेट मैंने बनाया हुआ है, और ये मेरा थोड़ा बहुत अपना पर्सनल ज्वेलरी एंड ऑल, बाकी चार्जर वार्जर जो भी है सब कुछ पैक कर दिया मैंने इसमें। तो देखते हैं, वैसे तो शादी बहुत ज़्यादा दूर है, तो मोस्टली आर्टिफिशियल ही चलेगा जो भी है, अपना साड़ी वाड़ी के साथ जैसा चलता है। बाकी देखते हैं क्या क्या बनता है। वैसे तो मैं मतलब तैयार हो गई हूँ, मतलब मैं ऐसे ही जा रही हूँ नाइट सूट में, क्योंकि ट्रैवल ही करना है पूरे रास्ते में, और हम जितने में पहुँचेंगे उतनी देर में वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई देख भी लेगा। और चंडीगढ़ में सिटी में तो किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ओ, मैंने आपको ये भी नहीं बताया, हम जा कर रहे हैं, आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ तक, और वहाँ से कल हम जाएँगे अम्बाला, शादी अम्बाला में है। तो फिलहाल हम आज चंडीगढ़ तक जाएँगे और वहाँ स्टे करेंगे और थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेंगे। कल थोड़े बहुत काम है वो भी निपटाएँगे। काम तो क्या है, मैं तो अपने सेल्फ केयर से रिलेटेड चीज़ें ही है वो करनी है, और वो सब करके हम बस निकल जाएंगे अम्बाला के लिए शादी के लिए। और शादी किसकी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलो कैमरा में हेलो बोलो सारे व्लॉग के लिए। तो सबसे पहली ब्रेक हमने ली खीरा खाने के लिए। तो ये बहुत सारे आपको रेडिया टाइप मिल जाएगी रोड में, क्योंकि समर्स में मोस्टली रहते ही है। तो जब हम घर से निकले थे तो काफ़ी तेज़ धूप थी, तो लग रहा था हमने गलती कर दी, पर जितना आगे गए तो मौसम काफ़ी धुंधला होता गया और हमको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला। पर आज की बहुत अच्छी बात ये थी कि हमको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम मिला। तो अभी हम पहुँचे हैं फ्री से थोड़ा आगे, नहीं कॉफी से थोड़ा पीछे पहुँचे। अभी हम पॉल्यूशन चेक के लिए रुके थे, बस पॉल्यूशन चेक करवा दिया और अब हम निकलते हैं और कुफ्री में रुकेंगे। अब तो थोड़ा आगे जाते ही हमको यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि हमको साइड में खड़ा होकर पहले अपने बैग एडजस्ट करने पड़े, और ये रही बहुत ही प्यारी प्यारी बारिश। और इसकी वजह से हम मनाली रुक भी नहीं पाए थे, तो अब हम डायरेक्टली वाकना घाट में रुके थे ग्रब हब में। तो बस यहाँ पर थोड़े बहुत वीडियोज़ ली और अपना स्नैक्स ब्रेक भी लिया हमने। उसी के साथ हम यहाँ पे सोनर टनल में कर चुके हैं एंटर। तो आज मैं पहली बार इस टनल से आ रही थी, क्योंकि जब मैं पहले आई थी तो ये टनल क्लोज थी, और उसी के साथ पहुँच गए थे हम सनवारा टोल नाका पे। बस ये क्रॉस करते ही थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि अब हम ज़्यादा दूर नहीं है चंडीगढ़ से, अब एंटर ही होने वाले हैं कुछ टाइम में। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे, तो कल रात को हम बहुत 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 ज़्यादा लेट पहुँचे थे। आई थिंक हम पहुँचे थे 11:15 अराउंड यहाँ पर। उसके बाद हमने जाके डिनर किया है, फ्रेशन अप हुए, तब जाके हम 1-2 बजे के आसपास सोए हैं, थोड़ी बहुत गपशप भी की है। तो उसके बाद अभी मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी, आई डोंट नो कि क्या है कि मतलब तो ज़्यादा सोया नहीं जाता, पर रात को क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि अभी सिर्फ फ़ैन ही मतलब सहन हो पा रहा है, एसी और कूलर तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहे। तो अच्छी बात है कि हमारी चंडीगढ़ में एंट्री होते यहाँ पे बारिश होगी और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अभी बस मैं उठी ही हूँ, वैसे तो पहले मैं उठ गई थी, पर थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम कर रही थी, और एडिटिंग करके देखा तो इतने लंबे सफ़र में मेरी वीडियो इतनी सी बनी हुई है। देखते हैं आज का दिन भी कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज ये व्लॉग मेरा आना भी है, और उसके बाद अगर मैं यही नहीं डाल पाई तो फिर शादी आ जाएगी, तो शादी में तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, एडिटिंग का भी नहीं लगने वाला है, और शूट का तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और वहाँ पे तो सारे ऑलमोस्ट फैमिली ही होती है, तो काफ़ी मतलब बातों में टाइम निकल जाता है, वीडियो का तो ध्यान भी नहीं रहता है। बाकी देखते हैं, आज भी बहुत ज़्यादा काम है वैसे अभी जो पेंडिंग है,
सबसे पहले तो मतलब मुझे पार्लर जाना है, पार्लर वाला काम निपटाना है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो रहती है जो मैंने अपना मतलब गेटअप सोचा है उसके रिगार्डिंग जो भी मेरा रहता है वो लेने को भी रहता है। वैसे तो मैंने किया है प्रबंध, पर देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है। और अभी एक सर के तो अभी कपड़े भी नहीं लिए हैं, इनको आई डोंट नो किधर कपड़े लेंगे, और इनको टेंशन भी नहीं है। लड़कियों को ही टेंशन रहती है कि हमारा कहीं गलती से इतना सा भी सामान ना रह जाए। तो उठते हैं, थोड़ा बहुत पानी वानी पीते हैं, सबसे मिलते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, पीठ तो नहीं बोल सकती। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हो रही थी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन, और साथ ही साथ बन रहा था यहाँ पे हमारे लिए मैंगो शेक। यहाँ मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी जो आधी अधूरी लगी है, पर कुछ तो लग गई है, अभी हाथ बाकी है। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी मतलब सारे ही जा रहे हैं ऑलमोस्ट। अभी मैं मतलब अपने पार्लर तक जाऊंगी और ये लोग अपना काम निपटाएंगे, और मेरा भी थोड़ा बहुत काम है वो भी यही लोग निपटाएंगे, ताकि मैं भी टाइम पे फ्री हो जाऊं और हम टाइम पे निकल पाए। क्योंकि जो लोग रामपुर से ही आ रहे हैं वो लोग भी पहुंचा रहे हैं, और हम चंडीगढ़ से भी नहीं पहुंचेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए चलते हैं जल्दी जल्दी और अपना काम निपटाते हैं, ताकि हम अपनी जगह पर जल्दी पहुँच जाए, और वहाँ रेस्ट भी कर सके, फ्रेश अप भी हो सके, और वहाँ पर फंक्शन हम बिल्कुल फ्रेश होकर निपटा रह सके। बाय बाय। आपकी नहीं है शादी, हमारी है, जिंदगी मेरे भाई की। हमने यहाँ पे मेहंदी लगा ली है और हम हो गए वेडिंग रेडी। और कौन है हाथ वाले? बाकी नहीं है अभी फिलहाल के लिए, बाकी नहीं है। इनको मैंने लगाई है, मैं हूँ इनका मेहंदी आर्टिस्ट। तो हम अभी बाइक स्पेशली ये लगाने के लिए आए थे, अभी मैं कैब करके वापस आ गई हूँ। तो बस ये हो गया है, और अब हम निकलेंगे यहाँ से और मिलेंगे बापू सीधे अम्बाला में। और अभी हमारा लोग वेट कर रहे हैं रास्ते में, अगर हम उनको रास्ते में मिले तो वेरी गुड, नहीं तो सीधे अम्बाला में मिलेंगे। अब लास्ट मेरी शॉपिंग भी यहाँ पे हमारी हो गई है, बड़ी मुश्किल से कुछ पसंद आया है। वैसे तो मतलब यहाँ पे काफ़ी शोरूम्स है, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाना था, पर चलो हमको पहली शॉप में पसंद आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो बस अभी हम वैसे सारे हमारे आसपास ही चल रहे हैं, तो हम सबको पकड़ ही लेंगे। तो चलते हैं अब यहाँ से और निकलते हैं। वैसे अभी खाना खाने रुके यहाँ पर किसी ढाबे में, मतलब जरूरपुर से टर्न हो गए ढाबे हैं, तो बस खाना खा लेते हैं। और अभी बज रहे 4:30 के अराउंड, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पहले खाना खाएंगे फिर इससे आगे चलेंगे।